एरिया, पेरीमीटर और एरिया में आज फिर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चंस है, अ डोर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड ब्रेथ 1.5 मीटर इन फिक्स्ड इन ए वॉल। मतलब एक दरवाज़ा है जो एक दीवार में फिक्स है, जिसकी लेंथ है 2.5 मीटर एंड ब्रेथ है 1.5 मीटर। ठीक है, जैसे ये एक हमारा वॉल है, ठीक है, ये वॉल का हम डायग्राम बना के थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें एक डोर फिक्स है जिसकी लंबाई है 2.5 मीटर और जिसकी चौड़ाई है 1.5 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं वो, द लेंथ ऑफ द वॉल। अब इस पूरी वॉल की लेंथ है 6 मीटर एंड ब्रेथ है 3.5 मीटर। मतलब जो ये वॉल है इसकी लंबाई है 6 मीटर और इसकी चौड़ाई है 3.5 मीटर। ठीक है, अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग, वाइट वॉशिंग द वॉल। मतलब अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है इस वॉल का, इस पे वाइट वॉशिंग करवाना है। कितने रेट में करवाना है? 15 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अपनों को क्या करना है कि ये पूरे वॉल का पहले एरिया निकालना है, ठीक है, और उसके बाद में इस डोर का पूरा एरिया निकालना है। और अब क्या करना है कि इस जो वॉल का जो एरिया है उसमें से अगर डोर का एरिया हम कम कर देंगे तो ये बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा जिस पे हमें पेंट करवाना है या वाइट वॉशिंग करवाना है। फिर उसमें जितना जो एरिया निकलेगा उसमें फिर कॉस्ट निकालना है 15 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है पहले डोर का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ डोर, ठीक है, सॉरी डोर। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला होता है, एक रेक्टेंगल अलग अलग दे रखी तो रेक्टेंगल का ही रखा रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिखे हैं तो हम लेंथ और ब्रेथ को एल और बी लिख सकते हैं। ठीक है, लेंथ दे रखी है यहाँ पे 2.5 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, अब हम इसका इनटू कर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.75 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब ये हमारा ये जो डोर है इसका एरिया आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस वॉल का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल। ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब वॉल की लेंथ दे रखी है 6 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 3.5 मीटर। ठीक है, तो अब इसका इंटू करेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये वॉल का एरिया आ गया, ये डोर का एरिया आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हम के वाइट वॉश के लिए जो एरिया बचा है वो इतना बचा है, मतलब इसमें से एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग। इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ 21 माइनस 3.75 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइनस आया 17.25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इतना कंप्लीट 17.25 हमारा स्क्वायर मीटर, ये पूरा एरिया आया है। अब हमको क्या करना है, इसमें एक स्क्वायर मीटर की प्राइस कितनी दे रखी है उन्होंने, 15, है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 15। ठीक है,
तो कॉस्ट ऑफ 17.25 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट हो जाएगी, कम का दे रखा है, ज़्यादा का निकालना है तो हमें क्या करना है, इनटू करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17.25 इनटू 15, ठीक है, 17.25 इनटू 15 का हम इनटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 258.75 रुपीज़, ठीक है। कितने पैसे लगेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश में, इज इक्वल टू 258.75, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। कितनी आसानी से हमने ये सवाल कर दिया है। अब इसी तरीके के और भी सवालों को देखने के लिए, पॉइंट वाला इनटू पॉइंट वाला प्लस माइनस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।